हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण से सब जानते हैं कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ही थे। परंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम ने हनुमान जी को ही मृत्युदंड दे दिया, और जब हनुमान जी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तो उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया गया। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था, भगवान राम ने उनके सबसे प्रिय भक्त को मृत्युदंड क्यों दिया। जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तो नारद मुनि ने हनुमान जी से ऋषि विश्वामित्र के सिवाय सभी साधुओं और ऋषियों से मिलने को कहा, क्योंकि विश्वामित्र कभी महान राजा हुआ करते थे। हनुमान ने इसका पालन किया, लेकिन इससे विश्वामित्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब कपट से नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने हनुमान के खिलाफ भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र हनुमान पर बेहद गुस्सा हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम से हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए कहा। राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात टाल नहीं सकते थे, इसी कारण उन्होंने हनुमान जी को मृत्युदंड दिया। मृत्युदंड देने के बाद भगवान राम ने हनुमान जी पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान राम नाम का जाप जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री राम को अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र तक चला दिया। आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा तो हनुमान जी ने इसका कारण उनसे पूछा। तब सीता माता ने बताया कि इससे भगवान राम की आयु बढ़ेगी। जब हनुमान ने यह सुना तो उन्होंने सोचा कि जब मांग में सिंदूर भरने से भगवान राम की आयु बढ़ती है तो क्यों ना मैं पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लूं। और तब से हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते हैं, और वही प्रथा चली आ रही है कि आज भी हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगाया जाता है। श्री राम को अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। भगवान राम के गुरु विश्वामित्र के निर्देशों अनुसार भगवान राम को राजा यथातिथ को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दिया। हनुमान ने किसी तरह से अस्त्र शस्त्र से लड़ने की बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान के श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से उन्होंने मुक्ति दिला दी। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।